औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यह हमारी 9th क्लास की पहली पोएम है, वॉक अ लिटिल स्लोअर। वॉक अ लिटिल स्लोअर, वॉक का मतलब हो चलना, वॉक अ लिटिल स्लोअर, थोड़ा आहिस्ता चलो। बेटा अपने बाप से रिक्वेस्ट कर रहा है। इन दिस पोएम में जो है, द सन रिक्वेस्ट्स टू हिज फादर, या फादर प्लीज वॉक अ लिटिल स्लोअर, थोड़ा आहिस्ता चलो। अब इस नज़म के अंदर इसी उनवान को अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई है। एक छोटा सा जो टाइटल है, इसी पे हम समझ सकते हैं, क्योंकि आने वाली ज़िंदगी जो है, बच्चा जो है अपने बाप को देखकर ही सीखने वाला है। जैसे काम वालिद करेगा वैसे काम वो बेटा भी करने वाला है। तो यहाँ पर मुझे अल्लामा इकबाल की बहुत ही हसीन एक गज़ल है, जिसके कुछ शेर याद आते हैं, वो मैं यहाँ पर सुनाना चाहता हूँ कि मताए बेबहा है दर्द सोज आरजूमंदी, मकाम बंदगी देकर न लूँगा शान खुदाबंदी, तेरे आज़ाद बंदों की न ये दुनिया न वो दुनिया, यहाँ जीने की पाबंदी वहाँ मरने की पाबंदी। और जिस वजह से मैं ये नज़म, ये गज़ल के शेर सुना रहा हूँ, वो शेर है कि ये मकाम बंदगी देकर न लूँगा शान खुदाबंदी, ये फैज़ान नज़र था या कि मकतब की करामत थी, ये फैज़ान रज़ा था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदा बेफरसंदी। तो जो बच्चा जो है वो बाप को देखकर ही सीखता है। अब इस नज़म के अंदर जो बताई गई है उसमें कुछ बातें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। अकबर इलाहाबादी तो बड़ा हसीन शेर है, क्या हम ऐसी किताबों को काबिल ज़ब्ती समझते हैं, हम ऐसे किताबों को काबिल ज़ब्ती समझते हैं जिन्हें पढ़कर बेटे बाप को खपती समझते हैं। तो ये बातें हमारे औलाद के अंदर पैदा ना हो, इसलिए हमें भी देख देख कर कदम रखना चाहिए। आइए हम नज़म की शुरुआत करते हैं। वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, द चाइल्ड सेस टू हिज फादर प्लीज वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, के वालिद आप धीरे धीरे चलिए, वालिद आप धीरे धीरे चलिए। अब यहाँ पर चलना जो है, ये ज़िंदगी के हर मराहिल के ऊपर अगर हम नज़र देखें तो तमाम बातों के ऊपर हम देख सकते हैं कि वालिद अगर आप गलत चलेंगे तो हम भी गलत चलेंगे, ठीक है ना। किसी शायर का फिर एक शेर मुझे याद आता है कि रहबर तो अपने पाँव का काटा निकाल ले, रहबर तो अपने पाँव का काटा निकाल ले, वरना तेरी कौम भी लंगड़ा के चलेंगी, ठीक है ना। तो जैसा रहबर चलेगा वैसे कौम चलने वाली है, जैसा बाप चलेगा वैसे बेटा भी चलने वाला है। तो वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, साइड अ लिटिल चाइल्ड सो स्मॉल, यानी छोटा बच्चा है वो अपने वालिद से कह रहा है कि वालिद आप थोड़ा धीरे चलिए। आई एम फॉलोइंग इन योर फुट स्टेप्स, बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस, आई एम फॉलोइंग, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा हूँ, यानी जैसा आप करेंगे वैसा ही मैं भी कर रहा हूँ। जैसे अगर आप अच्छे अमल करेंगे तो मैं भी अच्छा अमल करूँगा। अब बाप अगर बैठा हुआ है घर में, अब बाप टीवी देखते बैठा है, बेटे से कहता है कि बेटा जाओ तुम नमाज के लिए चले जाओ, तो ये मुनासिब नहीं होगा, ठीक है ना। तो अगर बाप झूठ बोलना, बच्चे से कहता है बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, और बाप खुद ही कहता है झूठ, तो वो मुनासिब नहीं होगा। तो यही सेंटेंस है, आई एम फॉलोइंग, मैं तुम्हारा पीछा करूँ, यानी मैं तुम्हें देख देख कर सीख रहा हूँ, मैं तुम्हें देख देख कर चल रहा हूँ, जैसे आप कर रहे हैं मैं भी वैसे ही कर रहा हूँ, फुट स्टेप्स आपके नक्शे कदम पर मैं चल रहा हूँ, जैसे आप कर रहे हैं मैं भी बिल्कुल वैसा ही कर रहा हूँ। एंड आई डोंट वॉन्ट टू फॉल, मैं गिरना नहीं चाहता हूँ, यानी मैं फेल, अपनी ज़िंदगी में फेल होना नहीं चाहता हूँ। इसलिए बेटा कह रहा है कि वालिद आप थोड़ा संभल के चलिए, आप ऐसे कदम उठाइए कि जिसको देख कर मैं भी नेक इंसान बनूँ, मैं भी अच्छा इंसान बनूँ। तो ये अपने बेटा अपने वालिद से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंस आए, Sometimes your steps are very fast. कभी कभी आपके जो कदम है बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं, यानी कभी कभी आपके कदम लड़खड़ाने लगते हैं, यानी फास्ट हो जाते हैं मतलब आप थोड़ा रास्ते से जो भी हम समझ सकते हैं, ऐसा मेरा ख्याल है कि अब बेटा अपने वालिद से संभलने के लिए कह रहे हैं कि वालिद आप थोड़ा सीधे चलिए, यानी सीधे चलिए ज़रा फास्ट मत चलिएगा, मतलब थोड़ा ऐसा चलिए कि जो मेरी समझ में रास्ता आ सके। Sometimes they are hard to see. और कभी कभी मैं उनको देख नहीं पाता हूँ, यानी आपकी चाल जो होती है बड़ी फास्ट हो जाती है। अब हमको दिख रहा है कि फास्ट इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी बातें भी छुपी हो सकती है शायर के दिल में, शायद हम उसको नहीं समझ पा रहे हों। क्या समटाइम्स यूर स्टेप्स आर वेरी फास्ट, समटाइम्स दे आर हार्ड टू सी, यानी कभी कभी आपके कदम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। सिंपल से सेंटेंस है, सिंपल सी लैंग्वेज में इस्तेमाल किया गया है, समटाइम्स दे आर हार्ड टू सी, और मुझे देखना बहुत ज़्यादा आसान हो जो डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ये बात भी हमने याद रखना चाहिए, जो सेंटेंस बड़ी सादगी के साथ में लिख दिए जाते हैं, जो शायर बड़ी सादगी के साथ में कोई भी शेर कह देता है, उसके पीछे बहुत से दराज छुपे हुए होते हैं जो हम नहीं समझ सकते हैं।
सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, इसलिए वालिद आप थोड़ा धीरे धीरे चलिए, फॉर यू आर लीडिंग मी, क्यों, क्योंकि तुम मुझे लीड कर रहे हो, तुम मुझे रास्ता बता रहे हो, तुम मेरी रहबरी कर रहे हो, इसलिए वालिद आप थोड़ा संभल के चलिए, ऐसे रास्ते ना अपनाइए जिसकी वजह से मैं भी मुसीबत में फंस जाऊँ। आप तो मुसीबत में फंस जाएंगे लेकिन मैं भी मुसीबत में फंस जाऊँ, क्योंकि आपके नक्शे कदम पर ही मैं चल रहा हूँ। लास्ट का स्टेंजा देखते हैं, थर्ड स्टेंजा हम देखते हैं, समडे व्हेन आई एम ऑल ग्रोन अप, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं आपकी तरह हो जाऊंगा, जब मैं भी बिल्कुल फुल जवानी में आ जाऊंगा, जब मैं भी शादी हो जाएंगी, जब मेरे भी बच्चे हो जाएंगे, यू आर व्हाट आई वांट टू बी, यू आर अभी जो तुम हो, व्हाट जो कुछ भी अभी तुम हो, जैसे भी अभी तुम हो, आई वांट टू बी, मैं भी बिल्कुल वैसे ही बनना चाहूँगा। अगर बाप अगर नेक और सालीन होंगे तो फिर औलाद भी नेक और सालीन होंगी, अगर आप गलत चलेंगे तो फिर मैं भी गलत चलूँगा। देन आई विल हैव अ लिटिल चाइल्ड, जैसे आपका आज मैं बच्चा हूँ वैसे ही कल मेरा भी एक बच्चा होगा, वैसे कल मेरी भी औलाद होंगी, हु शैल वांट टू फॉलो मी, वो भी मुझे देख कर चलेगा। यानी अभी आप चल रहे हैं तो अब इससे तीन पीढ़ियाँ ख़राब हो जाएंगी, एक तो आपकी भी, एक तो मेरी भी, और तीसरी मेरे बच्चे की भी। तो इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा है कि फादर प्लीज़ वॉक अ लिटिल स्लोअर, कि आप थोड़ा धीरे चलिए, अभी धीरे चलिए के पीछे बहुत सारी बातें, ज़िंदगी के जितने भी मराहिल है, जितने भी स्टेप है, तमाम के तमाम छुपे हुए हैं, जो हमारी ज़िंदगी के अंदर यूज़ होते हैं, जिन्हें हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारी दुनिया भी जुड़ी हुई होती है और जिससे हमारी कब्र भी जुड़ी होती है, जिससे हमारी आखिरत भी जुड़ी हुई होती है, वो तमाम बातें इसके अंदर छुपी हुई है। लास्ट स्टेंजा है, एंड आई वुड वांट टू लीड जस्ट राइट, मैं भी ऐसे ही बनना चाहूंगा जैसे आप चल रहे हैं, मैं भी ऐसे ही रहबरी करना चाहूंगा जैसे आप मेरी रहबरी कर रहे हैं, एंड नो व्हाट आई वाज ट्रू, और जब मुझे पता चल जाना चाहिए कि आज जो आप कर रहे हैं वो सच है, ताकि मैं जब बड़ा हो जाऊं, जवान हो जाऊं, जब मैं भी आपके मुकाम पर आ जाऊं, तो मुझे लगे कि आपने जो कुछ भी मुझे सिखाया वो बिल्कुल सच था, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं पता है, क्योंकि अभी मैं छोटा हूं, जो आप कर रहे हैं मुझे लगता है वो सब सही है, तो लेकिन जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मैं सूझबूझ मेरे अंदर आ जाएंगी, जब मैं अंडरस्टैंडिंग करने के काबिल हो जाऊंगा, तो फिर मेरे समझ में आएगा कि आपने जो मुझे बताया, जो नक्शे कदम पर आपने मुझे चलाया, वो सही थे या गलत थे। इसीलिए चाइल्ड कहता है, आई नो व्हाट आई वाज ट्रू, अब मुझे पता चल कि मैं सही था। सो वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी, इसलिए डैडी आप थोड़ा स्लो चलिए, फॉर आई मस्ट फॉलो यू, क्योंकि मैं भी आपको फॉलो करना चाहता हूं, या मैं आपको फॉलो कर रहा हूं ताकि मेरी जिंदगी भी संवर जाए और आपकी जिंदगी भी संवर जाए। ऐसा मेरा कॉन्सेप्ट था समझने का, ये बहुत ज्यादा सिंपल सी पोएम्स है लेकिन इसके अंदर जिंदगी के बहुत ज्यादा राज छुपे हुए हैं, जिसे हम समझने से शायद कासिर होते हैं या हम नहीं समझ पाते हैं। सिंपल सी लैंग्वेज है लेकिन जिंदगी के तमाम मराइल इसके अंदर महफूज है, छुपे हुए, हमें उसको समझने की, हमें उसे समझाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको नज़म समझ में आ चुकी होंगी। अल्लाह हाफिज़।